बीमार को ठीक करने के लिए फिल्मों में अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि मरीज को अब दवा नहीं दुआएं ही बचा सकती हैं। प्राचीन मिस्र में मरीज को बचाने के काम में दवाओं के साथ जादू भी शामिल रहता था। उस दौर में धर्म और विज्ञान को अलग करने वाली कोई लाइन नहीं होती थी। माना तो यहाँ तक जाता था कि बीमारियाँ देवताओं के दंड हैं और भीतर की बुरी आत्माओं को ताबीज और मंत्रों से दूर भी किया जा सकता है, लेकिन ये सब दवाओं के इस्तेमाल के साथ किया जाता था और उनके कुछ तरीके इतने समय के बीतने के बाद भी बचे रह गए हैं। दुर्भाग्य से प्राचीन मिस्र की उपचार से जुड़ी काफी जानकारियाँ अब कहीं खो गई हैं, जैसे रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया ईसा पूर्व से 3000 साल पहले मिस्र की समृद्ध संस्कृति बहुत ही आधुनिक थी। उस दौर में मिस्र के लोग दवाओं को लेकर इतने आधुनिक थे कि आप सुन करके चौंक सकते हैं। बता दें कि मिस्र में ममी बनाकर रखे जाने की बात से आप वाकिफ ही होंगे। ममीफिकेशन यानी कि ममीकरण के जरिए प्राचीन मिस्र में लोगों ने मानव शरीर के बारे में अच्छी खासी जानकारी जुटा ली थी। तब मरने के बाद इंसान के शरीर को अंतिम सफर के लिए तैयार किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में मिस्रवासी शरीर के अंगों को देखने और बीमारियों को जान पाते थे, जिसके चलते उनकी जिंदगी खत्म हुई है। इस काम से वो कई बीमारियों को जानते हुए इस लायक बन सके कि किसी एक बीमारी को दुरुस्त करने के रास्तों को जान सके, जिसमें खोपड़ी में छेद करने से लेकर ट्यूमर हटाने जैसे काम शामिल थे। मिस्र के लोग भले ही आटा बनाने के लिए गेहूं को साफ करने और पीसने के लिए काफी मेहनत करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसके खाने में कंकड़ और रेत के कण रहते थे। जाहिर है कि ऐसा खाना खाने से दांतों के बीच में गैप और इन्फेक्शन रहेगा। काफी पुरानी मेडिकल पद्धति पेपर्स एबर्स के मुताबिक कई ऐसे तरीके थे जिसके इस्तेमाल से ये गैप भरे जाने के साथ इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता था। जिनमें से एक तरीका ये बताता है कि दांत निकलने पर होने वाली खुजली के लिए एक हिस्सा जीरा धूप सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रेसिपी शहद को बताया गया है जिसे मिस्र के लोग एंटीसेप्टिक यानी कि रोग रोधक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। दूसरे कई मामलों में वो मलमल का इस्तेमाल भी करते थे। प्राचीन मिस्र के लोगों को जिंदा और मृत दोनों लोगों के लिए नकली यानी कि कृत्रिम अंगों की जरूरत पड़ती थी, जबकि बाद के दिनों में ऐसे अंगों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। मान्यता ये थी कि जिंदगी के बाद फिर से शरीर पाने यानी कि पुनर्जन्म के लिए लाश का पूरा होना जरूरी है। ममीफिकेशन के शरीर को पूरा करने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता था, लेकिन तब के लोग आज की ही तरह कृत्रिम अंगों के मामले में जीवित लोगों की भी मदद करते थे। सबसे मशहूर कृत्रिम अंग होती थी उंगली। तस्वीर में दिख रही उंगली के बारे में मान्यता ये है कि एक महिला ने इसे इस्तेमाल किया था और ये सबसे पुराना कृत्रिम अंग है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारी ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द डेली न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।